कोरोना मरीजों के सैंपल ले रहे लैब टेक्नीशियन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने टेस्टिंग स्थल पर केबिन लगवाने का फैसला किया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांडे ने बताया कि लैब टेक्नीशियन पीपीई किट पहनने के बाद कोरोना मरीजों के सैंपल लेते वक्त खुद संक्रमित हो जा रहे हैं, क्योंकि सैंपल लेते वक्त किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति पॉजिटिव है और कौन सा व्यक्ति निगेटिव है, जिनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस केबिन को तैयार किया गया है। अब लैब टेक्नीशियन इस केबिन के अंदर खड़े होकर सैंपल लेंगे, जिससे वह खुद संक्रमण से दूर रख सकें। और यह एक तरह का मोबाइल केबिन है, जहाँ कहीं भी कैंप लगेगा इस केबिन को भी ले जाया जाएगा और इसका प्रयोग किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 22 केबिन को तैयार किया है और इस केबिन को स्कूल, कॉलेज और जहाँ जहाँ सैंपल लिया जाता है उस जगह पर लगाया जाएगा, जिससे कि लैब टेक्नीशियन की सुरक्षा बनी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने कहा, सब ये है हम बनाए फोन के द्वारा, ये आपका जो कब्जा और हाथ दोनों करा दी, उसपे हो भी आता है एक पहले लव सकता, हाँ तो उसमें यह था कि जी बराबर यह था कि उसका जिसके डॉक्टर को अपना हाथ फिक्स तो वाले नहीं मिल रहा है क्या, फिक्स तो नहीं मिल पा रहा तो उसका अंदर हाथ, हाँ छोटा सा लगाना हो, ज्यादा चौड़ा नहीं लगाना, छोटा सा उस पर रख सके अपना जो VTM वगैरह है उसको रख सके अंदर से ला के मुस्तफा जगह जाइए अंदर, एक छोटा सा रैक बीच में लग सकता है, छोटा सा हाँ वो स्पेस बताओ कितना, आपका यार ये ओपनिंग ठीक है क्या, ये तो इस साइड से है, इसको क्यों बंद करना पड़ा, ये तो लोग जाएंगे, ये तो सर जो हमारे एलटी केबल बैठेंगे ये बंद भी इस साइड लग जाए सर तो ज्यादा बेटर है, बाहर की तरफ निकालना, ये पूरा क्लोज रहेगा, जाली नहीं रहेगी, बाकी एग्जांपल हम लोग का लगाना होगा प्रोविजन के बस केबल प्लास्टिक वाला छोटा सा एक ऑप्शन, क्योंकि हम लोग को वन वे फ्लो हो जाएगा ना सर ये। अच्छा उसमें ग्लव्स कैसा चाहते हैं आप ये बताइए सर, एक वो यूटिलिटी ग्लव्स जो आता है वो फिक्स होगा, फिक्स करना पड़ेगा, वही तो हमने बता रहा था वो फिक्स वाले आता है यार वो लगा लो ठीक रहेगा, अगर इससे छेद होता है ना फिर अंदर से वायरस आने के लिए, आप इसको फिक्स कर मोल्डिंग मटेरियल मिल जाएगा, हां मोल्डिंग मिल जाएगा, मिल जाएगा वो फिक्स होकर के ऊपर से वो सील सील कर अंदर से आप इसको इससे चिपका दो, हां इस पे यार ये कुछ जगह केवल तीन जगह है ये नहीं था, ये क्या ये जरूरी है क्या, ये केवल तीन जगह ही रख लें, इधर से ओपन कर दें फिर ये आपने एलटी भी, हाँ एलटी सेफ रहेगा इसलिए, एक्चुअली एलटी का सेफ्टी के लिए है ये, हाँ नहीं ये बायो सेफ्टी केबिन टाइप का है ये, ये पैकेज इसको लगा दिया जाए ऐसे करके तब तो ये एरिया प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो अगर दरवाजे पे आप फिक्स कर दें तो कर सकते हो डायरेक्ट वो कमरे से आ जाएगा, लेकिन ये सब तो सर कहीं भी ओपन, हाँ इसको हम कहीं भी रख सकते हैं सर, स्कूल में भी चला जाएगा, स्कूल में ही जाने के लिए भी, हाँ तब ये बेटर है बंद रखा, ये आपको इसी टाइप करा करके यहाँ अर्बन PSC में सैंपल लेने वाले हैं ना, इसी के लिए ये बहुत मतलब सैंपल लेके साइड में रखना होगा जो नीचे से लेके रखे रहेगा वो ठीक है, वो फोटो आप इनको व्हाट्सएप कर दो, और साइज ये ठीक है, साइज बढ़िया बहुत बढ़िया सर, जरूरत पड़ेगा सर देखिए बेसिकली जो लैब टेक्नीशियन है उनका सुरक्षा के लिए कैबिन है जो सैंपल लेता है, बहुत एक दो लैब टेक्नीशियन मेरा इन्फेक्ट हो रहे हैं पीपी किट पहनने के बाद भी, ताकि जो भीड़ ज़्यादा आती है लाइन फिर भी हम लगा देते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, ये कैबिन हम बना रहे हैं, कैबिन बनाने के बाद एक बार सेफ हो जाएगा, और ये मोबाइल कैबिन भी है कहीं से भी जा करके कहीं सैंपल लगाना है लेना है वहाँ लगा करके करा सकते हैं, उसी की हम शुरुआत कर रहे हैं, 22 कैबिन हम ऐसे बनाएंगे, आज सैंपल ओके हुआ है, ये अर्बन PSC में लगेगा, खासतौर पर कहाँ सैंपल लेंगे स्कूल कॉलेजेस जो जगह जगह कैंप लगता है उसी पे लगा करके करेंगे।